नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैंने मेरी सारी एजुकेशन मेरा पटना से ही हुआ है। मैंने 2010 में अतुल्स क्लासेस ज्वाइन किया फॉर मैथमेटिक्स, और उसके बाद मैंने 2010 से 2012 तक मैंने सर के यहाँ 11th 12th किया, और एक साल मैंने 2013 में एक साल फिर से प्रिपरेशन किया जेई के लिए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन NIT रायपुर में हो गया केमिकल ब्रांच के लिए। 2013 से 2017 तक मेरा बीटेक हुआ, और उसके बाद मैंने IIT गुवाहाटी ज्वाइन किया एज अ रिसर्च स्कॉलर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कांत है और मैं भी अतुल सर के यहाँ जब 2014 में मैं 10th पास किया, तो फिर 2014 से लेकर 2016 तक इंटरमीडिएट के लिए क्लास किया, और फिर इसी दौरान JEE का भी प्रिपरेशन करता रहा, और फिर 2016 में JEE का एग्ज़ाम दिया और अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए। उसके बाद मैं IIST त्रिवेंद्रम में एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उस कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन करा लिया, और ब्रांच मेरा इसी रहा। उसमें 2016 से 2020 तक, तो ये मेरा लास्ट ईयर भी है, अभी वैल्यूएशन चल रहा है, फाइनल ईयर है, और अभी तक का जर्नी तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम लोग 11th 12th का प्रिपरेशन कर रहे थे सर के यहाँ, तो मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी ब्रॉडर पार्ट रहा है फॉर 12th के लिए भी और फॉर JEE के लिए भी। तो मैथमेटिक्स को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स और मतलब सो मेनी। सो बेसिकली हम लोग ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अतुल सर के क्लास में कैसा रहा। तो बेसिकली हम लोग ये कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि कैलकुलस जो है वो एक हार्ट ऑफ मतलब हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे फोकस किया जाए, फोकस रहे और प्रिपरेशन करें। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सर के यहाँ, जब मैं कैलकुलस पढ़ रही थी तो कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक फर्स्ट आता है आपका, जब हम सिर्फ सिलेबस वाइज देखा जाए तो मेनली लोग फोकस करते हैं कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। बट जब हम सर के यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे तो सर ने हमें सबसे पहले फंक्शन पढ़ाया, फिर उसके बाद ग्राफ्स पे फोकस किया, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन इक्वालिटी, और उसके बाद जो मेन चैप्टर आता है कंटिन्यूटी, एंड देन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो जब वो ये सारा चीज़ पढ़ा रहे थे तो उसके दौरान उन्होंने लिमिट और आपका कंटिन्यूटी और ये ग्राफ्स वगैरह पे काफ़ी फोकस किया है और बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उस टॉपिक पे, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन में जाओगे, चैप्टर में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमें उतना टाइम देना पड़ता है उस चीज़ पे। तो हाँ, तो जब हम मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी सर के यहाँ, तो मुझे बहुत ये लगता था कि सर काफ़ी स्लो चल रहे हैं, काफ़ी मतलब जो मेन टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो सर को पढ़ाना चाहिए उस पर सर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जब सर ने सारा टॉपिक कवर कर दिया, लाइक लिमिट और जो भी फंक्शंस और ग्राफ्स और जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी कवर करने के बाद जब वो डिफरेंशिएशन में आए, तब हमें जाके ये रियलाइज हुआ, या मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और इस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर आप सही नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपको फिर वहाँ पे जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब सर के यहाँ क्लासेस करके। और अगर मैं अपने फ्रेंड लोग से भी कंपेयर करती थी उस समय जब मैं सर के यहाँ क्लासेस कर रही थी, तो तब मुझे पता चला कि हाँ नहीं, सर ने जिस तरीके से एक तरीका जो बताया है पढ़ाने का, जो एक वे है, वो काफ़ी सही है। और उससे मैं आपको बेसिकली मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आगे ये शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। हाँ, तो मेरा तो मतलब कहेंगे, ऐसे हम कहना चाहेंगे कि 2014 से 2016 का जो मैथ का जर्नी है सर के यहाँ, वो काफ़ी मज़ेदार भी रहा है, थोड़ा परेशान करने वाला भी रहा है, और मतलब मज़ा तो बहुत आया है। मतलब अगर स्पेसिफिकली कैलकुलस की बात करें तो सर जिस तरह से दीदी ने बोला कि सर पहले ग्राफ पढ़ा देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी ख़त्म कर देंगे, लिमिट्स पढ़ा देंगे, फंक्शन पढ़ा देंगे, तो इसका महत्व भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलस में ये सब चीज़ें क्यों हम लोग एक्चुअली में सर पहले क्यों पढ़ा रहे हैं। लोग सोचते हैं कैलकुलस मतलब अच्छा ठीक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया कैलकुलस, नहीं। अगर आप कोई भी जैसे मैथ जब पढ़ना चालू करते हो तो सबसे पहले क्या समझते हो, नंबर सिस्टम जानते हो, फिर उसका समझते हो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे है मैथ में। उसी तरीके से कैलकुलस, जो कैलकुलस भी एक अपने अलग तरीके का लैंग्वेज है, तो कैलकुलस में जो फंक्शन आता है, सबसे पहले फंक्शन जो पढ़ाया जाता है सर के द्वारा या किसी भी सब्जेक्ट जो टॉपिक है फंक्शन, वो एक तरह का लैंग्वेज है, उसी में पूरा कैलकुलस लिखा गया है। बिना फंक्शन जाने आप कैलकुलस को समझना मतलब बेवकूफ़ी टाइप का ही बात कहेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ जो हो गया, तो जब ये सब जो ग्राफ हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो गए, लिमिट्स हो गए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जो आपको कैलकुलस में फिर आगे यूज आएंगे। यहाँ तक तो मतलब ये सब चीज़ें जब सर अलग अलग पढ़ा देते हैं, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लिमिट्स, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी से जब सर हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूटी में जब हम लोग आए, तो सर जब भी कुछ सवाल देते थे तो स्टार्ट कर देते थे और सबसे पहले क्या करते थे, कोई भी सवाल देते थे उसका फंक्शन लिख के चले जाते थे। तो सबसे पहले सब लोग बैठे रहते थे, कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आते थे सर उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे उस फंक्शन का, उसके बाद उसमें इनइक्वालिटी की बात करते थे, लिमिट्स की बात करते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग जो इतना चीज़ सर पढ़ा रखे थे पहले भूल जाते थे, फिर सर बोलते थे घर पे जाके सब चीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज करो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी मुझे, क्योंकि बहुत बार तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाके होने से बहुत फ़ायदा भी हुआ। मतलब कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आता था तो सबसे पहले ग्राफ अप्रोच, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी से सवाल रहते थे, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपको बार बार ये सब यूज आएगा ही आएगा। तो कैलकुलस का पूरा जर्नी ही बहुत मज़ेदार रहा है और आपको मज़ा भी बहुत आएगा इसमें। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो बहुत मज़ा आया है, और इवन कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो जो ये सब क्वेश्चंस है ग्राफ्स के या ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज के, ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। मतलब आपको लगेगा कि कैलकुलस लोग को कहते हैं कि ये कैलकुलस का सवाल है, लेकिन आपको तो ना उसमें डिफरेंशिएशन दिखेगा ना इंटीग्रेशन दिखेगा, दिखेगा क्या उसका सॉल्यूशन। जब बाद में आप देखोगे तो लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ ग्राफ बना दिया, इसमें कुछ इनइक्वालिटी यूज कर दिया और उससे कुछ कंटिन्यूटी की बात कर दी। तो ये सब ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कैलकुलस के लिए भी, और बाकी जो अलग सब्जेक्ट्स हैं कोऑर्डिनेट्स जो भी, उन सब के लिए भी थोड़ा जरूरत पड़ता है, लेकिन कैलकुलस का ये मतलब ये एक तरह से कंटेंट्स है, इसी से पूरा आपका जो एक कहते हैं ना रेसिपी तैयार होती है कैलकुलस की, वो रेसिपी इन सारे कंटेंट से ही मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम से आपका तैयार होगा। और बाकी जिस तरह का भी कोविड का सिचुएशन है तो लोग एंजाइटी में रहते हैं, थोड़ा पैनिक भी है सिलेबस को लेकर, तो जितना तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सर सिलेबस हमेशा टाइम से पहले ही कुछ दिन एक सप्ताह पहले ही ख़त्म कर देते हैं, या जो बोलते हैं इतना तक करना है दिसंबर तक तो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए तो आप लोग निश्चिंत रहें, उसके लिए कोई सोचना ही नहीं है। बाकी कोरोना का जैसा काल है तो उसमें तो हम सबको एक साथ लड़ना है, और जिस तरह का इसका बस एक ही इलाज है, आप लोग घर में रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, खाना खाइए, और क्या कहें। थैंक यू।